नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस चैनल में। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं और हर बार की तरह हम आपसे ऐसे मुखातिब होते हैं और हर बार कोई नई फ्रेंचाइजी, नया शख्स हमारे साथ मौजूद होता है जिनके हम आपके साथ में एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और उसी क्रम में आज हमारे साथ में मौजूद है नितिन जी कोटपुतली से। उसके इर्द गिर्द के प्लेसेस भी इन्होंने लिए क्योंकि कोटपुतली थोड़ा छोटा प्लेस है और उसके ऊपर पूरा जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कि नितिन जी कोटपुतली से हैं, उन्होंने ये फ्रेंचाइजी ली है और अभी मैं उनको इन्वाइट भी करूँगा यहाँ पर ताकि हम उनका एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकें कि जब उन्होंने पहली बार इस प्रोग्राम को देखा तो उनके दिमाग में क्या इमेज बनी और जब इन्होंने ये प्रोग्राम ले लिया, अब यहाँ पर आ गए, इनका दो दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा है और अब जब ये जा रहे हैं तो इनका क्या अनुभव है इस प्रोग्राम को लेके, क्या इनका फ्यूचर प्लान है इस प्रोग्राम को लेके, कैसे ये प्रोग्राम करने वाले हैं, उन सब के लिए बात करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ नितिन जी साहब को। ये आए और जो है नितिन जी, आपको नमस्कार। ये अभी हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो जनता है वो आपके जो अनुभव है उससे लाभान्वित हो सके, इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपना अनुभव उनके साथ में शेयर कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो टीम 16 है, इन्होंने जो ये प्रोग्राम, ये जो भी इनका ये इनका जो भी इनके रिकॉर्डिंग, जो इनकी जो ये जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, टीम जो ये काम करती है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐसा काम इंडिया में लेकर के आए हैं जिनसे कि आगे जो एजुकेशन में और हमारे जो फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये चीज़ है, जिसको कि मेरे एक मित्र हैं मनीष सिंगल जो कोटपुतली से ही हैं, उन्होंने सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखा था और उन्होंने मुझे बताया, मैं इनसे ऑफिस में आके मिला, विपुल जी मुझे मिले और इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए सब कुछ बताया। मुझे उस टाइम भी कोई बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम जब हम यहाँ पे आए, मेरे मित्र भी मेरे साथ आए, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो स्टूडेंट इन्होंने तैयार करे थे और जो इन्होंने जिस तरीके से जो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, वो सारी चीज़ें उनसे भी बढ़कर कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। वो देखने के बाद में हमें भी ये लगा कि हम भी हमारे एरिया में, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के क्षेत्र में स्टूडेंटों को, बच्चों को, जो भी फ्यूचर में जो आगे जो देश का नाम रोशन करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, खुद का काम करेंगे, उनको ऐसा कोई कमी नहीं रह जाए कि जिसके कारण वो उस फील्ड में नहीं जा सके, वो काम नहीं कर सके जो उनको करना है। इस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए हमने भी ये सोचा कि इस फंक्शन को, इस काम को हम वहाँ पर ले जाके हमारे एरिया में इसको दें, जिनसे कि वहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लाभान्वित तो और उनको ये सक्सेस मिल सके। इसलिए हमने यहाँ पे आके इनसे ट्रेनिंग ली है और ये ट्रेनिंग लेके हमने सब कुछ सीखा है, वो सीख के आज हम वो चीज़ हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, कोटपुतली में, सापरा में, बैरोड में और आसपास के एरिया में हम ले जाके उसको इतना फैलाना चाहते हैं कि जिससे कोई भी जो भी कमज़ोर, जो भी वीकनेस जो स्टूडेंट में रह जाती है उसको दूर करनी है और बच्चों को आगे जो सक्सेस मिले उसके लिए उनकी जो वीकनेस है उनको दूर करनी है और जिस फील्ड में वो जाने लायक हैं, जिस फील्ड में वो जा सकते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना है और उस चीज़ की एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट जो है वो सिंगापुर से बन के आती है, वो टेस्ट भी किए जाते हैं, उस DMIT टेस्ट होता है, उस टेस्ट करके उनको ये पता किया जाता है कि उसमें क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। तो उन चीज़ों को देख के हमें ये लगा कि ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, जो कि आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और इसके लिए हमने ये प्रयास किया है और ये प्रयास हमारी इस पूरी टीम की ऐसा है कि कोटपुतली एरिया में भी जो काम है बहुत अच्छा रहेगा और बच्चों को इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यह हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया बोले सर। आपको सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्होंने इतना अच्छे ढंग से बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी सारी बात कह दी। और आप जो व्यूअर्स हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए ये इतना कष्ट उठा के वहाँ से यहाँ आए, आज कौन जाता है, बट ये अपनी तरफ से ये एक इन्होंने पहल की है। तो मेरी आप सभी से, जो भी कोटपुतली में, शाहपुरा, बहरोड, जो आसपास के एरियाज़ में लोग हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन लीजिए, ताकि देखिए इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है ताकि आपके बच्चों को लाभ मिल सके। अब एक स्टेप आपको भी बढ़ाना होगा ताकि आपके बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। हम नीचे ये जो आज की रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी प्रोग्राम है, उसका हम आपके नीचे वीडियो हम अपलोड कर देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं और मैं इनके नंबर भी नीचे जो है टीम 360 डाल देगी, ताकि क्या है आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करके और अपना जो है लाभ उठा सके। इनकेस आपको लगता है मेरे को फोन पर बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, कई लोगों को होता है पहली बार नहीं कर पाते हैं, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर हम लोग इसमें देंगे, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं नितिन जी को या
मनीष जी को, ताकि आप डायरेक्ट नहीं बात करना चाहते तो व्हाट्सएप के थ्रू कर ले, ताकि आपका जो भी एक जो भी आपका प्रश्न है जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, ताकि आपको लाभ मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने आपकी बात नितिन जी से कराई थी, और अब इसी क्रम के अंदर हम एक और शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, और वो बहुत ही दूर से आए हैं, सिक्किम से। देखिए 2000 किलोमीटर दूर है सिक्किम, वहाँ से स्पेशली इस प्रोग्राम को लेने के लिए, सीखने के लिए जो है यहाँ पे एक शख्स आए हैं, उनका नाम है बाल बहादुर। अभी मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ, ताकि उनका भी हम एक्सपीरियंस शेयर कर सके। देखिए स्टेट अलग होते हैं, तो स्टेट के साथ में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, तो ज़रा हम ये भी तो देखें कि इस प्रोग्राम को लेकर उनका क्या थॉट प्रोसेस है। जब पहली बार उन्होंने प्रोग्राम देखा था तो उनके दिमाग में क्या इमेज बनी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, बातचीत इनसे बहुत बार हुई है। सेकेंड, यहाँ आने के बाद इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अब जब ये आ रहे हैं तो क्या फ्यूचर विजन है इनका, क्या दिमाग में प्लान है, कैसे इस प्रोग्राम को ये करने वाले हैं, इस पूरी चीज को समझने और उनका अनुभव शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बाल बहादुर जी को, जो यहां पर आए और अपना जो है व्यूअर्स के साथ में, हमारी जनता के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार बाल बहादुर जी, प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन लोगों के बहुत काम आने वाला है, तो अपना एक्सपीरियंस जो है इनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैंने दिल्ली आया हुआ था, मेरा लड़का बीमार था, तो मैं रात को नींद नहीं आती थी, तो मैं यूट्यूब में देखते रहता था कि क्या है कुछ नया। तो देखते देखते जब मैंने देखा कि टीम 360 का जो देखा प्रोग्राम, देखने के बाद में हमको बिल्कुल जैसा कि जो मेरा जो प्यास था वो ऐसा लगा कि हमको पानी मिल गया हो, क्योंकि हमारे जो हमारे एरिया है, वो हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ही पार्टिकुलर, वो इसलिए है कि अपना बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से आगे, हर कोई जो फोर्थ ग्रेड का भी लोग है, फोर्थ ग्रेड का भी जो लोग है वो भी अपना बच्चा को डॉक्टर, इंजीनियर और कोई अच्छे बड़े लोग, मतलब एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि ब्लाइंडली जो वो लोग कर तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि उसका क्या क्वालिटी है, उसका जन्मजात उसका क्वालिटी क्या रहता है, तो ये सब बात जो है ब्लाइंडली आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए एक ऐसा जो सिस्टम मेथड हो जिसको उसका क्वालिटी को, उसका कैपेबिलिटी को, उसका उसको मेजर करने के लिए ऐसा कुछ मिले। तो हमने जब देखा कि DMIT एक बहुत ही बढ़िया और आज का लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है, जो हर कोई स्टूडेंट जो है, जो बच्चा लोग है, जो जिसको बताया गया है कि 5 साल से 15 साल के तक का बच्चा जो है उसका जो है DMIT टेस्ट किया जा सकता है, और उसमें उसका जो क्वालिटी है, उसका कौन सा ब्रेन एक्टिवेट है, राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, और मिड ब्रेन कैसा एक्टिवेट करना है, इसका जो सिस्टम है उसमें विस्तार से सब कुछ ट्रेनिंग में अभी हमको भी मिला है। तो इसीलिए हमको ऐसा लगा कि जैसे अंधा को आँख मिल गया हो। तो उसी हिसाब से हम जाएंगे, हमारा एरिया में जाएंगे, वहाँ जा करके ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवर्टाइज करेंगे, हर स्कूल में जाएंगे, उन लोग को समझाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि वो दे आर वेरी मच पार्टिकुलर इन क्या बोलते हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो इसलिए ये जाएंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, और हमारे एरिया में ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कि हमारा एरिया से भाईचुंग भूटिया जो एक फुटबॉल प्लेयर जो एक देश को, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसी हिसाब से अभी सुनील छेत्री भी हमारे पहाड़ के ही हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। तो म्यूजिक के फील्ड में भी ऐसे ही है, तो बहुत सारे फील्ड है जिसको पार्टिकुलरली उनको उस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो ये DMIT टेस्ट के बाद में ये हो सकता है। इसलिए हमारा तो जब मैं आया, आने के बाद में मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने बहुत सारे ऐसे सपने जो मैंने सोचे हुए हैं, जा करके हम अपना एरिया में इसको करेंगे। धन्यवाद।
आप हैं बाल बहादुर जी, और बिल्कुल आपके सपनों को पूरा करने में हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। और नितिन जी हैं या बाल बहादुर जी हैं, आप सभी को हम ये विश्वास दिलाते हैं, टीम 360 आपको विश्वास दिलाती है कि आपको हम अपनी तरफ से 100% हेल्प करेंगे। जैसी हेल्प आपको चाहिए वैसी हेल्प हम आपको करेंगे, ताकि आपको जो है इस प्रोग्राम को डेवलप करने में आसानी हो, और आसानी क्योंकि देखिए हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उस अनुभव का आप भी लाभ ले सकें और आपके उस इस प्रोग्राम को उस क्षेत्र में डेवलप करने में हमारी तरफ से आपको सहयोग मिल सके, इस बात का हम विशेष ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बाल बहादुर जी ने आपसे बात की, उनका नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप जो जनता है वो उस नंबर पर उनसे बात करके और जो भी आपके क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया है, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी एक स्टेप आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों का एडमिशन इस प्रोग्राम में कराएं, ताकि आपके बच्चे भी इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो सके। और अब इसी क्रम में देखिए, हम लोगों ने अभी फ्रेंचाइजी से बात करी, लकीली अभी चांस की बात है, हमारे साथ में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद हैं, तो मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, बगैर कोई समय दिए, डायरेक्ट आपको रूबरू कराना चाहूँगा हमारी कंपनी के टीम 360 के मैनेजिंग डायरेक्टर से। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने अनुभवों के साथ आपको, जनता को, जो व्यूअर्स हैं उनको लाभान्वित करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, जो है व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अपना अनुभव जो है शेयर करें। टीम 360 के 217वें सर्टिफिकेट समारोह में आप सभी का स्वागत है। बाहर से पधारे हुए सम्मानित बाल बहादुर जी सिक्किम से, नितिन जी कोटपुतली शाहपुरा से, उनके साथ में आए हुए मनीष जी कोटपुतली शाहपुरा से, इनका पुरजोर शब्दों में स्वागत है। इन्होंने जिस भाषा में बात कही है कि सिक्किम जाकर के सिक्किम के लोगों को प्यास है, उस प्यास के लिए पानी पिलाया जाए, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जहाँ ये जब हमें आवाज़ देंगे सिक्किम के लोगों के लिए कि वो अगर शिक्षा में रुचि रखते हैं, कुछ नवीनता लाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को आगे बड़ी बड़ी पोस्टों पे ले जाना चाहते हैं, तो हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कार्यक्रम, हमारे DMIT का कार्यक्रम तथा हमारे अन्य जो एडवांस कोर्सेज है वो उनके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। मैं सिर्फ चार बातें आपसे कहूँगा। पहली बात तो एक बार पुणे में बाल भद्र जी, नितिन जी कोटपुतली और मनीष जी कोटपुतली शाहपुरा, इनका एक बार तथा ये अपने बच्चे को भी यहाँ साथ लाए। बच्चों के अंदर आज से ही इन बातों के अगर संस्कार पड़ेंगे तो भविष्य में ये बच्चे बहुत उन्नति करेंगे। अभी हाल ही में एक जापान के अंदर रिसर्च हुई, काफ़ी लोगों की संख्या में, क्योंकि करीबन 20-25 साल से प्रोग्राम जापान में चल रहा है, तो जिन जिन बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन हुआ, जापानी आंकड़े बताते हैं कि वह सारे के सारे मल्टी मिलियनर बने। और उन्होंने कहा कि इस कंसेप्ट के अंदर लोगों में फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस डेवलप करने की ताकत है, कुव्वत है। अगर ऐसी कुव्वत इस कंसेप्ट में है तो इसकी सबसे पहले ज़रूरत अपने देश को है, कि अपने देश के अंदर ये जो आर्थिक अभी दुराव है, आर्थिक स्थिति देश की जो ठीक नहीं है, गरीबी की स्थिति है, इसको अगर बाहर अपने को ले जाना है तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन DMIT और एडवांसेज कोर्सेज से संभव है। अगर जापान के इतने अधिक लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन के पश्चात मल्टी मिलियनर बने हैं, तो भारत में भी अगर मल्टी मिलियनर बनेंगे तो अपने को, अपने देश को समृद्ध करने में, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपना एक अनूठा योगदान होगा। इसके लिए अपन अगर इस यज्ञ में थोड़ी आहुति देंगे तो निश्चित रूप से अपने को परमात्मा आशीर्वाद बख्शीश करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के चले जाएं, तो जब भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो, तो जैसे अमिताभ बच्चन का जो वो है कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर हेल्पलाइन को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से आप हमें हेल्पलाइन की तरह इस्तेमाल करें। और अगर आपसे ठीक से सीखने में कोई थोड़ी दिक्कत रहेगी हो तो आप टेलीफोन पर संपर्क करके और हमसे दोबारा सीख सकते हैं। हमारे यहाँ टेक्निकल मैनेजर मौजूद है, हमारे यहाँ पूरी टीम मौजूद है, और इस टीम का इतना कोऑर्डिनेटेड होकर के टीम हमारी काम करती है। इस टीम में विपुल शर्मा, विनीत शर्मा, अंजू, सपना और बहुत लोग हैं, रवि है, विनय है,
अनीता है और भी बहुत लोग हैं हमारी टीम के अंदर, वो सब मिलकर के कोऑर्डिनेटेड रूप से आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपका जो ही टेलीफोन आएगा हम लोग बिल्कुल एक्टिवेटेड होकर के आपके टेलीफोन पर पर्याप्त रेस्पॉन्स देंगे। अगर किसी व्यस्तता के कारण से एक बार टेलीफोन किया और नहीं उठा पाए तो आप दोबारा कर लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके अवॉइड करें, ये बिल्कुल भी हमारा इरादा नहीं होगा। अगर कोई व्यस्तता की वजह से नहीं हुआ हो तो दोबारा कर लीजिए, नहीं तो ये रिकॉल कर लेंगे आपको। इस मुद्दे पर एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद में यदि आप ये महसूस करते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग की वापस ज़रूरत है या हम इस कार्य को करें तो आपका टीम मेंबर कोई हमें मिल जाए हेल्प के लिए एक दो दिन के लिए, तो हम आपको हमारी यहाँ का टीम का मेंबर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब आपको यहाँ से भिजवा देंगे, ताकि वो जा कर के और आपके साथ मिल कर के स्कूलों में चला जाए, कोचिंगों में चला जाए, आपने जहाँ सेंटर पे काम कर रखा है वहाँ पर भी वो आपका सहयोग करेगा। इसके अलावा जो कुछ आपको सीखा है और वो प्रतिदिन आप तो रिवाइज करेंगी, पर जब वो टीम का मेंबर आपके पास आएगा तो वो भी आपको रिवाइज कराने में मदद करेगा, यूँ समझिए एक बार पुनः वो आपकी ट्रेनिंग को पूरी को रिफ्रेश करवा देगा। इसमें हम चूँकि उनको सैलरी देते ही हैं इसलिए आपको कोई सैलरी आदि देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो यहाँ से आएंगे जाएंगे टीए डीए उनके ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था का जो खर्चा है वो आपको वहन करना होगा मात्र। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर कुछ भी सक्सेस प्राप्त की इस कार्यक्रम में, जैसे कि जोधपुर ने 100 एडमिशन्स किए, फिर 100 और एडमिशन्स पाइपलाइन में डाल दिए, नागपुर ने 75 एडमिशन किए, फिर 75 और पाइपलाइन में डाल दिए, अगर आप इस तरह से कोई 50 से अधिक एडमिशन्स कर पाते हैं तो आप हमें अवश्य सूचित कीजिए और एक सक्सेस स्टोरी लिख के दीजिए, ताकि एक साप्ताहिक अखबार है जो यहाँ काफ़ी प्रचलित है, हम साप्ताहिक अखबार में उसको जो है आपकी सक्सेस स्टोरी को देंगे। अभी तक हमने काफ़ी सक्सेस स्टोरीज दी है, 217वीं ये जो आपको फ्रेंचाइजी दी जा रही है, इससे पहले जो है काफ़ी लोगों ने करीब 50 लोग जो हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास आई हुई है, वो हम एक एक करके और उनको हर वीक जो है उस अखबार में देते हैं, पब्लिश करते हैं और उस अखबार की प्रतियां सभी को भिजवाते भी हैं। आपको फॉलोअप के लिए यहाँ से जाने के बाद में आपको जो कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें याद करिए, हमारी टीम की ज़रूरत हो तो ले जाइए। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे सिक्किम में बाल बहादुर जी, सिक्किम के आसपास का एरिया, चाहे वो दार्जिलिंग हो और चाहे अन्य आसपास का जो भी एरिया है उस एरिया में ये कार्य करेंगे, और यदि जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बहुत इच्छुक है करना चाहते हैं, अगर वो बड़े लेवल पर कोई कार्य करेंगे जैसे 100-200 लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करते हैं, 500-700 बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तो वो ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा और हमारी टीम के काफ़ी सदस्य होंगे, ताकि आपको एक संबल मिलेगा और आप इस कार्य को कर सके। हम नहीं तो कोई रॉयल्टी लेते हैं, अब आपके जाने के बाद में आपसे जो पैसा लेना था ले लिया, अब आगे हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, पर जिन कैंडिडेट्स को आप बुलाएंगे अपनी टीम के बतौर, उनके आने जाने का खर्चा, ठहरने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इतना है आपको वहन करना है, बाकी और कोई खर्चा जो है आपको नहीं करना। इसी तरह से कोटपुतली के एरिया में भी जो है नितिन जी काम करेंगे, उनको भी जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई बात की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं, वो भी अगर कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे हम वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन सिक्किम में अगर करेंगे तो सिक्किम में पहुँचना एक मायने रखता है, हम चाहते हैं कि सिक्किम के लोगों का विकास हो, खेल में ही नहीं वो इतर जो ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं इनमें भी वो लोग तरक्की करें, और सिक्किम हमारे देश का एक अहम हिस्सा है और चूँकि उसमें अब परिवर्तन की और उसमें विकास की ज़्यादा गुंजाइश है और लोगों में ललक है, तो हमारा उन्हें सपोर्ट करने का फर्ज बनता है, परम कर्तव्य बनता है, तो इसलिए सिक्किम के लिए हमारा पूरा आपको वरदहस्त रहेगा कि आप काम करिए, हम आपके बिल्कुल पीठ पर खड़े रहेंगे, जहां भी आपको ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि आप अगर अच्छा काम करेंगे
तो आपको हम विदेश यात्रा के लिए मौका देंगे, वहाँ के स्कूलों को, बैंकॉक जाएंगे तो वहाँ के स्कूलों को, सिंगापुर का हमारा प्रोग्राम तय है 25 दिसंबर 2019 को, तो वहाँ पर आपको जो है विदेश यात्रा का और वहाँ के स्कूलों के साथ में इंटरेक्शन कराने का भी आपको मौका देंगे, जो कि और इसके साथ में अगर कोई प्रिंसिपल, अगर कोई वहाँ का लोकल व्यक्ति अथवा कुछ बच्चे आपका कुछ ज़्यादा आपको सहयोग करते हैं तो आप उनका भी नाम सजेस्ट करोगे तो हम उनको भी उस विदेश यात्रा में, विदेश टूर में ले जा पाएंगे। चौथी बात मैं आपसे कहता हूँ कि हम इन सब का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से मेरा तात्पर्य कि आपने क्या काम किया, कितना काम किया। हम एक विजन लेकर के चले हैं 20 वर्ष का, तो आप भी एक विजन लेकर के चलोगे, 5 साल तक आप इस काम को करोगे हमारे साथ मिलकर के, 20 साल तक करोगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन किया, 6 महीने किया, 2 महीने किया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमने 2012 में इस कार्य को जब शुरू किया तो हमने 2032 तक का विजन बनाया कि 20 साल में हमें यह कार्य करना है। परिणाम क्या निकला कि 5 साल बाद, 7 साल लगभग अभी हुए हैं, हमारी न केवल कार्य को, हमारे राज्य के प्रमुख जिन्हें कि अपन गवर्नर कहते हैं, उन्होंने इस कार्य को सराहा, MPs ने सराहा, यहाँ के मंत्रियों ने सराहा, IAS अफसरों ने इस कार्य की प्रशंसा की, IPS अफसरों ने प्रशंसा की, जनप्रतिनिधियों ने प्रशंसा की, व्यापारिक वर्ग ने प्रशंसा की, छात्रों में हम इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि करीबन 1.5-2 लाख से अधिक बच्चों को हमने इसे, हमारे कंसेप्ट को जो है उन तक पहुँचाया, उन्हें जानकारी दी। हम 200 से अधिक स्कूलों के अंदर सेमिनार करने में कामयाब हुए, हमने 216 अधिक फ्रेंचाइजियाँ देने में कामयाब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि आप भी एक विजन बना करके चलो, क्योंकि अब हमारा अगला चरण जो है 2020 में हम जो है विदेशों में काम करना चाहते हैं, जिसमें हमने शुरुआत भी कर दी है। आबू धाबी में हमने हमारा केंद्र खोल दिया, एक फ्रेंचाइजी दे दी है, वहाँ हम अपना कार्यक्रम आरंभ भी कर चुके हैं। नेपाल में भी हमारे कार्यक्रम आरंभ कर चुके हैं। अब हम विदेशों में जाएंगे, इसलिए ये जो भारतवर्ष के जो काम हैं ये सिक्किम के बालभद्र जी संभाले अथवा कोटपुतले के नितिन जी संभाले, और इंडिया का जो कार्य है वो हम हमारी इन फ्रेंचाइजी की टीमों के सबल कंधों पर देकर के हम थोड़ा बाहर की ओर जो है इस कार्य का प्रचार प्रसार करना चाहेंगे। अगर कोई किस्म की क्वेरी हो, आपको किसी किस्म की दिक्कत हो, तो दरवाज़ा खुला हुआ है, आप विनीत सर से बात कर सकते हैं, विपुल सर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, तत्काल अपनी क्वेरी का निवारण करें और कार्य के अंदर जोश और जुनून के साथ लग जाएं और एक विजन डॉक्यूमेंट बना लेंगे, मेरे को 20 साल में यहाँ से यहाँ तक जाना है। धन्यवाद।